एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आचार्य। बेटा आज जो हम लोग का पूरा मैच हुआ था, इट इज मैच नंबर 4, कौन सा टॉपिक का, हार्डनेस एंड एमपीएन का। इसमें जब हम लोग लाइव खेल रहे थे इस मैच को, तो हम लोग 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा आधा ही सॉल्व हुआ था। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ से। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन का लिंक आप लोगों को इस पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हम लोग बहुत जल्द ही मूव करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, ताकि हमें पूरा सॉल्यूशन मिल पाए पूरे के पूरे मैच का। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए बेटा, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अ रॉ वाटर सैंपल ऑफ 250 ml टेस्टेड फॉर अल्केलिनिटी बाय टाइट्रेशन डन विद 0.02 नॉर्मल H2SO4। द पीएच ऑफ रॉ वाटर इज 10.5। नाउ पीएच कितना दिया हुआ है पानी का, 10.5 दिया हुआ है, एंड इट इज रिड्यूस टू 8.3। नाउ 8.3 पे जब रिड्यूस किया गया था, तो आपको ये पता है कितना यहां पे अल्केलिनिटी रिड्यूस हो जाती है, या कहां तक हम लोग अल्केलिनिटी को यहां पे पानी में रिमूव कर चुके होते हैं। आधा कार्बोनेट हो चुका होता है और पूरा का पूरा कॉस्टिक अल्केलिनिटी रिमूव हो जाती है। तो बस इतना ही हमारे काम का था। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। आइए, नाउ हमें पता है बेटा, अगर 1 ml का हम लोग 0.02 नॉर्मल H2SO4 लेते हैं, तो ये कितने ग्राम अल्केलिनिटी के बराबर होता है, ये 1 mg पर लीटर ऑफ अल्केलिनिटी के बराबर होता है HCACO3। नाउ अगर हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि हमें कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया है बेटा हमें, 250 ml का हमारे लिए पानी का सैंपल है, और कितना एसिड दिया गया है हमें, हमें टोटल 12 ml का एसिड यूटिलाइज हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 250 ml के पानी में, 250 ml वाटर में कितना एसिड इस्तेमाल हो रहा है, 12 ml। तो हम लोग बोलते हैं 12 mg पर लीटर ऑफ अल्केलिनिटी होगी HCACO3। नाउ हमें हमेशा 1 लीटर के लिए सॉल्व करना पड़ता है, हमेशा 1 लीटर के लिए। तो 1 लीटर में कितना ml होता है बेटा, 1000 ml होता है। तो 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, तो 1000 ml वाटर के लिए ये चीज कितनी होती है, 12 × 1000 / 250। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल अल्केलिनिटी कितनी आ गई, 48 mg पर लीटर ऑफ अल्केलिनिटी HCACO3। नाउ ये किसके लिए आया, ये आधा कार्बोनेट और पूरा कॉस्टिक अल्केलिनिटी निकालने के लिए आया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं कितने के लिए आया है बेटा, आधा कार्बोनेट और पूरा कॉस्टिक अल्केलिनिटी निकालने के लिए कितना आया हमारे पास अल्केलिनिटी, 48 mg पर लीटर HCACO3 आ रहा है। अब पानी का पीएच दिया कितना था बेटा, तो पानी का जो इनिशियल पीएच दिया था आपको, वो दिया था कितना, 10.5 का। तो अगर पीएच 10.5 है, तो पीओएच कितना हो जाएगा बेटा, तो पीओएच हो जाएगा कितना, 14 - 10.5, इट विल बी इक्वल्स टू 3.5। नाउ पीओएच है आपके पास, अगर आपके पास पीओएच है बेटा, तो सीधा सीधा करना क्या है आपको, आपको सीधा सीधा क्या निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव कितना आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा 10⁻³⁵ मोल्स पर लीटर। नाउ आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ गया, अगर आपको इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर HCACO3, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके आयनिक वेट से, दैट इज 17, और ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर ये तो भैया इसका क्या आया है, वेट आया है, आपको कन्वर्ट करना है इसको इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे अगेन इसके आयनिक वेट से, कितना, 17। ओके, नाउ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो ये कितना आता है बेटा आपका, पूरा सॉल्व करके कितना आएगा ये आपका बताइए मुझे जल्दी से, कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा आपका 15.81 mg पर लीटर HCACO3। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ चुका है, यानी आपके पास अल्केलिनिटी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर HCACO3। क्या करना है, अब आपको सीधा फाइंड करना है कार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट फाइंड करना है, तो क्या करोगे, आधा कार्बोनेट अगर फाइंड करना है आपको सबसे पहले, तो कितना आया था आपके पास, टोटल 48 आया था, 48 में से OH नेगेटिव को घटा दो 15.81। अब निकालना क्या था हमको, हमको कार्बोनेट का निकालना था, कार्बोनेट का कितना अल्केलिनिटी होगा CO3 2 नेगेटिव का। तो CO3 2 नेगेटिव कितना बनता है बेटा यहां से, 48 - 15.81 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने का कितना आंसर आया जल्दी से मुझे बता दो जरा कमेंट बॉक्स में, कितना आंसर आया यहां से आपका, तो आपका आंसर आ रहा है 64.38
मिलीग्राम पर लीटर एस सी ए सी ओ थ्री, दैट इज द कार्बोनेट अल्केलिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, 64.38। कौन सा ऑप्शन दिया था यहां पे, 64.38 दिया था आपको, ऑप्शन डी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपको कि अ डोज ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलम इज यूज इन कोएगुलेटिंग अ टर्बी ड्रॉ वाटर, कैलकुलेट द सम ऑफ अमाउंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस एंड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस इन अ 1 लीटर ऑफ सैंपल। नाउ हमको यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, परमानेंट हार्डनेस और जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कितना हमारे पास सम आएगा। कर लेते हैं, क्या डाला है इसने, एलम डाला है ना, एलम को जैसी पानी के अंदर डालेंगे क्या बनता है वो, हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा वो, तो आपका बनेगा Al2SO4 whole thrice dot 18 H2O। ये तो आपको एलम दिया है। अब जब भी एलम को आप डालोगे बेटा तो एलम के साथ में वो क्या रखना पड़ेगा, आपको अल्केलिनिटी भी रखनी पड़ेगी यहां पे, और कौन सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अल्केलिनिटी। तो मैंने बोला यहां पे रखो आप 3 मोल का कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अल्केलिनिटी। अब ये तो सबको आपको पता होगा कि इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बेटा फाइनल प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कितना बनता है फाइनल प्रोडक्ट यहां पे फटाफट से। तो यहां पे आपको बनेगा 3 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो कि हमारा परमानेंट हार्डनेस होता है, और बनता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस प्लस CO2 भी बनेगा, और क्या बनेगा बेटा हमारा यहां से साथ में बनेगा 18 H2O। नाउ हमारे काम का क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो कि हमारा परमानेंट हार्डनेस है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा प्रेसिपिटेट आउट होगा। नाउ अगर देखते हैं हम लोग तो 1 मोल एलम में, 1 मोल अगर एलम रिएक्ट कर रहा है तो कितना मोल का परमानेंट हार्डनेस बना है, 3 मोल का कैल्शियम सल्फेट बना है, और साथ ही साथ में क्या बना है, 2 मोल का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है AlOH होल थ्राइस। नाउ फटाफट से एलम का वेट लिखो, 666 ग्राम एलम होता है भैया, 1 मोल में 666 ग्राम एलम होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का वेट लिखो, 136 ग्राम आएगा कैल्शियम सल्फेट का वेट। सिमिलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा बेटा, 78 ग्राम का आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ये तो हमने टोटल देख लिया, ये तो एज अ होल टोटल का टोटल देख लिया हमने। अब अगर बात करते हैं कि 1 ग्राम के लिए कितना होगा बेटा, 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 1 ग्राम के लिए कितना निकल के आता है, 1 ग्राम एलम के लिए कितना हो जाएगा ये, 3 × 136 / 666 and 2 × 78 / 666। नाउ कितने के लिए बोल रहा है ये हमको, 100 मिलीग्राम के लिए बोल रहा है बेटा, 100 मिलीग्राम के निकालना है एलम के लिए, कितना आ जाएगा, 3 × 136 × 100 / 666 + 2 × 78 × 100 / 666। नाउ जोड़ दो पूरे को, और जोड़ने के बाद कितना आता बताइएगा मुझे, तो ये आएगा 84.68। अब ये मिलीग्राम में था तो यहां भी यूनिट क्या आएगी, मिलीग्राम पर लीटर का आएगा, क्या, टोटल प्रेसिपिटेट प्लस परमानेंट हार्डनेस जो था आपका, ओके। तो 84.68 आपका आंसर आया है, क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन, 84.68 इज द थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट हेयर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो 84.68 यहां पे सही है। नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, कंसीडर द गिवन टाइट्रेशन कर्व विच इज एप्लीकेबल फॉर अ वाटर सैंपल फॉर डिटरमाइनिंग अल्केलिनिटी इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ कॉस्टिक एंड कार्बोनेट अल्केलिनिटी इन द टेस्टेड वाटर सैंपल। यानी अगर कॉस्टिक और कार्बोनेट अल्केलिनिटी को हमें ज्यादा करना है तो चारों में से कौन सी कंडीशन सही है, देख लेते हैं, आ जाओ। लेट इट बी, इसको हम लोग बोलते हैं लेट इट बी, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एक्स, ओके। नाउ कॉस्टिक अल्केलिनिटी और कार्बोनेट अल्केलिनिटी कहां तक होती है, तो यहां पे हमारा क्या होता है, आधा कार्बोनेट रिमूव हो जाता है और पूरा का पूरा कॉस्टिक अल्केलिनिटी रिमूव हो जाती है। इसका मतलब कि अगर अगर पी हमारा ग्रेटर देन एक्स बाय टू होता है, हाँ अगर हमें डोमिनेंस दिखाना है इनका तो क्या करना पड़ेगा हमें, पी इज ग्रेटर देन एक्स बाय टू। अब एक्स बाय टू का मतलब क्या होता है बेटा, पी इज ग्रेटर देन, अब एक्स क्या हो जाएगा, पी प्लस एम बाय टू, ओके। नाउ इस टू को यहां भेजो, 2p is greater than p plus m, now 2p minus p, p is greater than m। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, p is greater than m, कौन सा ऑप्शन सही था यहां पे, p is greater than m, that is option b is correct here।
नाउ ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था, सिमिलरली मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बोलता है अ ट्रीटेड एफ्लुएंट हैज एमपीएन ऑफ टोटल कॉलिफॉर्म एज 10 टू द पावर 8 पर 100 ml, आफ्टर क्लोरिनेशन द एमपीएन वैल्यू डिक्लाइंस टू 10 टू द पावर 4 पर 100 ml, द लॉग रिमूवल ऑफ टोटल कॉलिफॉर्म एमपीएन इज। नाउ लॉग रिमूवल पूछता है बेटा, नाउ लॉग रिमूवल कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो n इनिशियल देके रखा है हमको 10 टू द पावर 8, n फाइनल देके रखा है हमको कितना 10 टू द पावर 4। अब क्या बोलता है लॉग रिमूवल निकालना है, अगर लॉग रिमूवल निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटा, लॉग रिमूवल विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ n इनिशियल माइनस लॉग ऑफ n फाइनल। नाउ लॉग ऑफ n इनिशियल कितना होगा बेटा, लॉग ऑफ 10 टू द पावर 8 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 4। नाउ ये सारे के सारे क्या है, बेस 10 के साथ है लॉग के। नाउ अगर बेस 10 है तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, 8 माइनस 4 क्या बचता है 4, तो लॉग रिमूवल कितना आया 4 आया, तो सिंपल ऑप्शन डी करेक्ट था यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर। नाउ यहां देखे तो क्वेश्चन बड़े आसान थे बेटा, जो आप लोग को अभी तक मैंने क्यूज में दिए थे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एमपीएन वैल्यू पूछा हुआ है वाटर सैंपल की, बड़ा आसान है एमपीएन वैल्यू निकालना, आप सबको सिखाया हुआ है। देखो सबसे पहला पॉजिटिव सेट क्या बना, 431 का बना, अगला क्या बनेगा 314 का बनेगा, और लास्ट क्या बनेगा 142 का। 431 के लिए एमपीएन वैल्यू कितनी है बेटा, 640 है, बट अगर डाइल्यूशन रेशियो देखते हो तो कितना आता है 110 और 1 का, कितना है डाइल्यूशन रेशियो 110 और 1 का डाइल्यूशन रेशियो आ रहा है, और हमें जो वैल्यू दी गई है 10, 1 और 0.1 के लिए दी गई है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा डाइल्यूशन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन के कितने टाइम्स ज्यादा है, हमारा डाइल्यूशन दिया है 110 और 1, और ये वैल्यूज दी है 10, 1 और 0.1 के लिए, तो कितने टाइम ज्यादा है बेटा, हम लोग 10 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं यहां लिखता हूं, जो हमारा पहला डाइल्यूशन था वो था 100 ml, 10 ml और 1 ml के लिए, और इसके लिए एमपीएन वैल्यू कितनी दी है बेटा हमको, हमको एमपीएन वैल्यू दी हुई है कितनी 640। अब हमारा जो डाइल्यूशन है वो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन जो दिया था हमको 10 ml, 1 ml और 0.1 ml का, इससे कितने टाइम्स ज्यादा दिख रहा है बेटा, 10 टाइम्स ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ मत करो, इसको सिर्फ 10 से डिवाइड कर दो, हमारा एमपीएन वैल्यू आ जाएगा 64। नाउ अगला डाइल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 10, 1 और 0.1 के लिए कितना 314 का, तो 10 ml, 1 ml और 0.1 ml डाइल्यूशन के लिए बढ़ते हैं, तो एमपीएन वैल्यू इसके लिए देखते हैं बेटा। नाउ 431 के लिए देख लिया हमने, अब 314 के लिए देखना है, तो 314 ये वाला है, तो 58 वैल्यू दी हुई है एमपीएन वैल्यू, कितनी दी है 58 दी हुई है, पुट कर दो यहां पे एमपीएन वैल्यू 58। नाउ 10 ml, 1 ml, 0.1 ml और स्टैंडर्ड डाइल्यूशन रेशियो भी यही का यही है, तो एमपीएन वैल्यू सेम की सेम हो जाएगी। नाउ तीसरा डाइल्यूशन रेशियो किसके लिए दिया बेटा आपको, 1 ml, 0.1 ml एंड 0.01 ml। अब इसके लिए पॉजिटिव का सेट कितना बना बेटा, तो पॉजिटिव का सेट बनता है 142। 142 के लिए कितना है आपके पास एमपीएन नंबर, 7.7 है, पुट कर दो यहां पे, तो कितना आ जाएगा एमपीएन नंबर बेटा, एमपीएन आ जाएगा इसके लिए 7.7। नाउ जो हमारा डाइल्यूशन रेशियो है ये स्टैंडर्ड से कितने टाइम कम है, 10 टाइम्स कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइल्यूशन रेशियो 10 ml दिया है और यहां पे हमारे पास इनिशियल डाइल्यूशन रेशियो 1 ml का है, तो 10 टाइम्स कम चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो इसको 10 से। अगर आप 10 टाइम्स ज्यादा चल रहे होते तो डिवाइड करते जैसे फर्स्ट केस में किया है, सेम था तो सेम का सेम रख लिया एमपीएन वैल्यू, कम थे तो मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 77। नाउ एमपीएन वैल्यू होगी कौन सी तीनों में से, क्योंकि तीनों का तीनों एक ही पानी सैंपल के लिए है, तो तीनों में से कौन सी होगी, क्या 64 होगा, क्या 58 होगा, क्या 77 होगा, तो कौन सा होगा बेटा तीनों में से, तीनों में से वो वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम होगी वो हमारी एमपीएन वैल्यू होगी, डेट इज 77। तो 77 हमारी एमपीएन वैल्यू रहेगी यहां पे। नाउ कौन सा ऑप्शन सही था यहां पे, तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज 77। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से एमपीएन भी क्वेश्चन पूछा है। अब अगला क्वेश्चन एमपीएन भी क्या पूछा था भैया, कि वापस से एमपीएन नंबर बता दो इस वाटर सैंपल का, अगेन एक पॉजिटिव सेट ये है, एक पॉजिटिव सेट ये है और लास्ट पॉजिटिव सेट ये है, फटाफट से देख लेते हैं। 110, 1.1, 0.01 सेम डाइल्यूशन रेशियो सेम, तो सबसे पहले 110 1 के लिए कितना हो जाएगा 013 के लिए 550 दिया है, अब ये हमारे डाइल्यूशन से 10 टाइम ज्यादा चल रहा है, डिवाइड कर दो एमपीएन वैल्यू कितनी आएगी 55। सिमिलरली 10 1.1 के लिए पॉजिटिव का सेट कितना है 133 का, 133 के लिए कितना एमपीएन वैल्यू देता है
49 और डाइल्यूशन रेशियो सेम है क्योंकि 10 1 और 0.1 का है, यहां भी 10 1 और 0.1 का डाइल्यूशन रेशियो चल रहा है, तो 49 ही एज इट इज एमपीएन वैल्यू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं 1.1.01, इसके लिए क्या है पॉजिटिव सेट, 335 का पॉजिटिव सेट है बेटा, तो 335 के पॉजिटिव सेट के लिए कितना है वैल्यू, 4.7 का है। अब हमारा डाइल्यूशन स्टैंडर्ड डाइल्यूशन से 10 टाइम्स कम चल रहा है, तो क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई कर दोगे 47 आएगा। तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बेटा, तो 55 तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज 55। तो इस तरह से हमने मैच नंबर 4 को खत्म किया। मैच नंबर 4 में हमने 8 क्वेश्चंस लिए थे, 8 क्वेश्चन का क्यूज किया पहले, उसके बाद हमने उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा। डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए अगर हमसे नहीं बना था तो। नाउ अगर पूरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको भाई क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, इसको जितना पॉसिबल हो पाए उतने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बेल बटन को हिट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ मिलते हैं हम लोग अगले मैच में, मैच नंबर 5 में विद अनदर टॉपिक। आपके पास पूरा का पूरा शेड्यूल है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 2 बजे फिर से मैच नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।